सुप्रभात विद्यार्थियों। तो इसके पहले के वीडियो में हमने अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों को देखा, उसकी परिभाषा देखी, उसके उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम विद्यार्थी शब्द भंडार में विलोम शब्द जो शब्द भंडार का तीसरा प्रकार है भाग है, उसको हम देखेंगे। विलोम का अर्थ होता है उल्टे अर्थ, तो छोटी क्लासों से भी आप उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़ते आए हैं, परंतु हम यहां इसको विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा को जान लें विद्यार्थी। परस्पर विरोधी अर्थ वाले को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द को लिखते समय थोड़ी सावधानियां रखनी है कि विलोम शब्द हमेशा, अगर वह तत्सम शब्द का विलोम है तो उसका तत्सम ही उसका अर्थ विलोम शब्द लिखा जाए। तद्भव है तो तद्भव, विकारी है तो विकारी, अविकारी है तो अविकारी शब्दों के साथ। तथा अगर विलोम शब्द एक वचन है तो उसका अपोजिट जो लिखेंगे विलोम शब्द वह भी एक वचन होगा, और बहुवचन होगा तो वह भी बहुवचन होगा। तो यहां उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे प्रकाश ये तत्सम शब्द है, तो प्रकाश का अंधेरा ये तद्भव, ये नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश तत्सम है तो उसका अंधकार, उजाला तद्भव है तो उसका अंधेरा। और विलोम शब्द कभी कभी उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं, जैसे सफल तो उसका अ उपसर्ग जोड़ दिए तो हो जाएगा असफल, उससे भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। विद्यार्थी यहां ध्यान देने वाली बात है कि तत्सम शब्दों के साथ तत्सम का विलोम, तद्भव के साथ तद्भव का, देशज के साथ देशज का, जैसे यहां हो सकता है। अब यहां हम आपके पाठ पुस्तक में बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, हम उसमें से कुछ विलोम शब्द को, कुछ जो विलोम शब्द है उसको हम पढ़ते हैं। पहला है अर्थ, तो उसका विलोम क्या होगा, अनर्थ। अनर्थ अर्थ मीनिंगफुल, अनर्थ बिना मीनिंग का। अस्त, अस्त माने डूब जाना, सूरज अस्त होता है। उदय उगना, सूरज का उगना। उष्ण, उष्ण का अर्थ होता गर्म। शांत, धीरज, शांत के साथ, उष्ण माने जोश के साथ शांत। गुप्त प्रकट, गुप्त अपने को छिपा कर रखिए, प्रकट कीजिए, बताइए। अपव्यय, देखिए अप दोनों में अपसर्ग लग रहा है, परंतु यहां अप उपसर्ग लग गया है, अपव्यय या मित उपसर्ग लग गया है, तो मित्र। अपव्यय माने अनावश्यक खर्च, वित्त व्यय मतलब कम खर्च। आकाश पाता, अमृत विष, उचित अनुचित, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, ऊंचा नीचा, क्रय विक्रय, क्रय का क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, तो क्रय का विलोम शब्द क्या होगा, विक्रय। जीवन मृत्यु, इस प्रकार आपने देखे विद्यार्थी कि विलोम शब्द जो है वो उल्टे अर्थ देने वाले हैं शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। आपकी पाठ पुस्तक में बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, इसको आप नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे और इसके अभ्यास कार्य को करते रहेंगे। जो शब्द आपको समझ में ना आता है वह लाइव क्लास में आप रूबरू पूछ सकते हैं, उस पे उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी इस मॉड्यूल में हमने शब्द भंडार का एक नया रूप विलोम शब्द को सीखा। मेरी आशा है कि आप लोग विलोम शब्द से परिचित हो गए होंगे, आगे की वीडियो में शब्द भंडार के दूसरे रूप को सीखेंगे। धन्यवाद।